हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 5 रुपये 70 पैसे की तेजी देखने को मिल रही थी, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में इस स्टॉक में 10% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है और एक महीने में इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आप इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 637 रुपये। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल जाएगा। नीचे का इस स्टॉक का जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 364 रुपये। 364 रुपये इस स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलाएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 364 रुपये के पास का, और यहाँ से इस स्टॉक में अगर एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिलता है तो ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 400 रुपये तक के देखने को मिलेंगे, और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 360 रुपये के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 467 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट आपको 640 रुपये के बाद देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से यह स्टॉक काफी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।